हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु सज्जन। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स कोर 318 की एक और वीडियो लेकर आई हूं, जो कि चैप्टर 18 और 19 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डू नॉट मिस द वीडियो। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, मनी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई सारे टर्म्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी दो आपके एग्जाम में आने ही वाला है, तो इसे अच्छे से याद कर लें और समझ लें। समझने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें ताकि आप एग्जाम में आसानी से इसका आंसर लिख पाएं। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इन बिजनेस द अकाउंटेंट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर एट कॉस्ट, सो इन बिजनेस द कॉस्ट इज नॉर्मली द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो एक बिजनेस इनकर करता है, जो कि एक्चुअली स्पेंड किया जाता है, ये एस्टिमेटेड नहीं होता, ये एक्चुअली होता है। मान लीजिए हमारे पास एक बजट था 1 लाख रुपीज का और मैंने एक्सपेंस किए हैं 90,000, तो 90,000 विल बी माय एक्सप्लिसिट कॉस्ट, नॉट द बजटेड कॉस्ट, तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कहता है? वी कैन मेक एन एस्टिमेट ऑफ दीज कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस, लेट अस टर्म सच कॉस्ट एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट जस्ट ठीक एक्सप्लिसिट कॉस्ट का ऑपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट लेते हैं। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से आप यहाँ पर 1 लाख को इम्प्लिसिट कॉस्ट डिनोट कर सकते हो। अगर एग्जाम में आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफ्रेंसिएशन पूछा जाए या उसे डिस्टिंग्विश करने को कहा जाए, तो आप यही डेफिनेशन को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके अपना आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिस्ट डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होता है जो कॉस्ट हमने छोड़ दिया किसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव को लेने के लिए। मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन था एक मशीन ए खरीदने का जिसका प्राइस है 50,000 और एक मशीन बी खरीदने का जिसका प्राइस है 40,000। तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 40,000 वाला मशीन, हम लोगों ने मशीन ए को खरीदा जिसका प्राइस था 50,000। क्यों? क्योंकि उसके ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, इस वजह से। तो इस एग्जांपल के बेसिस पे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा 40,000। क्यों? क्योंकि हमने 40,000 को जाने दिया 50,000 के मशीन को खरीदने के लिए, इसलिए हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 40,000 और मशीन बी का कॉस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, देन प्लीज़ हमारे चैनल गुरु सज्जाद को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देनी पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्मल प्रॉफिट का। स्टूडेंट्स कई बार इसे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेकली जो है इसका आंसर लिख देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज नथिंग बट प्रॉफिट विच इज़ नॉर्मली गेन, बट ये सही नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज एन एडिशनल अमाउंट ओवर द मॉनेटरी एंड द इम्प्यूटेड कॉस्ट that must be received by an entrepreneur to induce him to produce the given product. मान लीजिए हमारा cost price है किसी product का 50 rupees, हम उसे sell कर रहे हैं at ₹55, तो जो 5 rupees gain हो रहा है वही हमारा normal profit है, और हम लोग normally profit को उसी term से denote करते भी हैं। यहाँ पर confuse होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। normal profit क्या है? जो amount हमें cost से बढ़कर मिलता है वो normal profit कहलाता है। Next definition है private cost। While producing a commodity, a firm has to pay for raw material. It has to pay wages for workers. These are the private cost for the firms. Private cost क्या है? जो expenses firm bear कर रहा है किसी भी commodity को produce करने के लिए, जैसे कि raw material के ऊपर खर्च करना, अपने worker को wages pay करना, ये सब private cost के अंडर ही आता है। Next है social cost. Social cost क्या होता है? Actually social cost वो cost होता है जो society bear करती है। कैसे? Definition के तहत देखते हैं। Factories emit large amount of smoke from their chimneys into the atmosphere. But the cost to the community may be in the form of additional washing bills for clothes and the money spent by the community on medical bills etc. These costs are called social cost. इसका मतलब ये बनता है कि अगर मान लीजिए हमारे factories जो हैं वो बने हुए हैं और उसके चिमनी से स्मोक निकल रहा है, तो वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, जिसकी वजह से आसपास के लोग बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें दवाइयों का खर्च, उनके सेहत का खर्च, ये सब खर्च जो वो कर रहे हैं वो एक सोशल कॉस्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये खर्च नहीं होता अगर वहाँ पे फैक्ट्रीज ना होती तो, इसलिए वो उस फैक्ट्री का सोशल कॉस्ट बन जाता है। नेक्स्ट है मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होता है? द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड द प्राइवेट कॉस्ट विच आर एक्चुअली इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन मॉनेटरी टर्म्स इज कॉल्ड मनी कॉस्ट।
नाउ एक्सप्लिसिट कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट को मिला करके जितने भी खर्च एक प्रोड्यूसर कर रहा है अपने सामान को बनाने में, उसको हम लोग मनी कॉस्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, या कह सकते हैं हमारा आखिरी डेफिनेशन क्या है, रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट हैज नो डेफिनेट मनी वैल्यू, नॉट इट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। द पेन, द डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, द स्ट्रेन दैट ही और शी अंडरगोज कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। दिस इज कॉल्ड रियल कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर। नाउ रियल कॉस्ट हम लोग एक्चुअली में माप नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो एक एंटरप्रेन्योर अपने ऊपर सह रहा है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसे हम लोग नहीं कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर का पेन 100 रुपए का था या उसको स्ट्रेस हो रहा है 500 रुपए का। वी कैन नॉट डिफाइन दिस इन मनी टर्म्स। इसलिए ये रियल कॉस्ट के अंदर आता है। इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है द पेन, द डिस्कम्फर्ट, द स्ट्रेस, द स्ट्रेन। किसका स्ट्रेस? एंटरप्रेन्योर का स्ट्रेस, वर्कर्स का स्ट्रेस, ये सब हम लोग रियल कॉस्ट के अंदर असाइन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इस तरीके के आपको वीडियोस हमारे चैनल पर बहुत सारे अवेलेबल हैं जो इस सब्जेक्ट से यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं। और भी कई सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, कई सब्जेक्ट्स के टीएमए अवेलेबल हैं। आपको अगर वो टीएमए चाहिए हमारे चैनल से कॉन्टैक्ट करें, हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल का समेशन है। इन लोगों को जब ऐड करते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी का पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, एसी कहते हैं एवरेज कॉस्ट को और एमसी कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। नाउ इसका रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको ये डायग्राम को देखना पड़ेगा जहां पर हम देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप का है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ठीक जस्ट उसके नीचे बना हुआ है और मार्जिनल कॉस्ट सबसे नीचे बना है, लेकिन वो इन दोनों को बीच से कट करते हुए ऊपर की तरफ आया है। इसी बेसिस पे अब हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी आर When MC is less than AC, AC falls with increase in the output. यानी कि वो स्टेज जहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है लेकिन हमारा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट रिलेशन, When marginal cost becomes equal to average cost becomes minimum and constant. ठीक उस पॉइंट पे जहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कट कर रहा है यानी कि इक्वेट कर रहा है एक दूसरे के साथ, वहाँ पर हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम है और कॉन्स्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट रिलेशन है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट राइजेस विद द इंक्रीज इन द आउटपुट। यानी कि जैसे ही हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ऊपर आ जाता है, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगता है और आउटपुट भी बढ़ने लगता है। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एवीसी एंड एमसी। अब इन दोनों का रिलेशनशिप देख लेते हैं। लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा विथ एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन मार्जिनल कॉस्ट के साथ। इसलिए इसे आपको सिंपल वर्ड्स में लिख करके बताया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आप इजीली मार्क्स गेन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर एज फॉलोज। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स विद इंक्रीज इन द आउटपुट। When marginal cost becomes equal to average variable cost becomes minimum and constant. When marginal cost is more than average variable cost rises with increase in the output. तो students, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए अगर exam में average cost और marginal cost का relation पूछा जाए या average variable cost and marginal cost का relation पूछा जाए, do not get confused between the two और आप आसानी से ये points वहाँ पर include कर सकते हैं। Next question की तरफ बढ़ते हैं। Define supply. Supply of a commodity by a firm or seller may be defined as the quantity of a commodity that a firm or seller offers for sale at a given price during a given time period. Supply क्या होता है? Supply वो amount है commodity का जो एक seller तैयार है market में लाने के लिए, उसको बेचने के लिए, वो भी at a given time, एक वक्त पर और एक सही price के बीच। तो इसे हम लोग supply कहते हैं। Now next question पूछ रहा है कि क्या factors हैं जो supply को determine करते हैं? State the factors that determine the supply of a good. The main factors determining supply of a good are, पहला है price of the commodity, दूसरा है price of other related goods, तीसरा है price of input या factors, चौथा है taxation policy of the government, जी हाँ ये भी कई ज़्यादा supply को determine करता है, और last है objective of the firm, यानी कि firm का objective क्या है, क्या वो sales ज़्यादा करना चाहता है तो उसे price कम करना पड़ेगा, अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहता है तो उसे प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पर कुछ एनिमरेट कर दिए गए हैं। अगर आपसे एग्जाम में दो पूछा जाए तो आप दो ही लिखें, अगर आपके पास देख रहे हैं कि वो चार मार्क्स का आंसर है तो आप चार पॉइंट भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड स्टेट इट्स टू अजम्पशंस. लॉ ऑफ सप्लाई, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल. तो सप्लाई का लॉ, हम लोगों ने, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको लॉ ऑफ डिमांड भी एक्सप्लेन किया गया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन किया गया है, और अब आ जाता है लॉ ऑफ सप्लाई की बारी. तो इसलिए आपको वो सारे लॉज अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये लॉज स्ट्रेट अवे आपको मार्क्स दिलाता है एग्जाम में. अगर आपको ये लॉ अच्छे से पता है तो जस्ट आपको उस लॉ को लिख देना है पेपर में, एंड यू कैन फेच गुड मार्क्स. तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है. द लॉ स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी. यानी कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, इन दोनों के बीच एक डायरेक्ट रिलेशन है. इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, जैसे प्राइस घटेगा सप्लाई भी घट जाएगा. इस रिलेशनशिप को हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जो अदर फैक्टर्स हैं डिटरमाइनिंग सप्लाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे तभी ये लॉ अप्लाई हो पाएगा. इस वजह से इसका अजम्पशंस भी आ जाता है और ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है. स्टेट इट्स टू अजम्पशंस. द फॉलोइंग आर द मेन अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. पहला क्या है? प्राइसेस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन द सेम एंड देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स. तो ये दोनों अजम्पशंस को लेकर के हमने लॉ को एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हमें मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को एक्सप्लेन करना है. पहले देखते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते किसको है. Movement along the supply curve or expansion and contraction of supply can be explained with the help of the following diagram. इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में एस एस यानी कि हमारा सप्लाई कर्व बना हुआ है. पी क्यू जो है वो ओरिजिनल प्राइस है और क्वांटिटी है. जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ता है पी वन की तरफ, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाता है क्यू वन की तरफ, और जैसे ही प्राइस घटता है पी टू की तरफ, क्वांटिटी भी डिक्रीज कर जा रहा है क्यू टू की तरफ. तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन. The upward movement of the supply curve due to increase in price OP1 leads to increase in the quantity OQ1 and this is called expansion of supply. Now, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि movement along the supply curve होता है price के changes की वजह से ही. तो जैसे ही हमारा price increase करेगा quantity भी increase कर जाएगा और इसे क्या कहते हैं? Expansion of supply कहते हैं. The downward movement of the supply curve due to increase in price OP2 leads to decrease in the quantity OQ2 and it is called contraction of supply. यहाँ पर ठीक उसी का ऑपोजिट मूवमेंट, यानी कि जैसे ही प्राइस घटता है क्वांटिटी को भी घटना पड़ता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं. अब बारी आती है दूसरे मूवमेंट के या शिफ्ट की. एक्सप्लेन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. यानी कि हम लोग डायग्राम की मदद से शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व को भी एक्सप्लेन करते हैं. द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस कॉन्स्टेंट है और एस एस जो है वो हमारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है. Now due to some other factors other than price, price के अलावा जितने भी factors हैं उनमें अगर changes आ रहा है और उसकी वजह से हमारा supply बढ़ रहा है तो हमारा supply curve shift हो जाएगा S1 की तरफ, और अगर supply घट जाएगा तो वो shift हो जाएगा S2 की तरफ. तो ये हो गया shift in the supply curve. The increase in supply is shown by the rightward shift of the supply curve. Rightward shift अगर कर रहा है हमारा supply curve तो उसे क्या कहते हैं? Increase in supply. Where the firm is willing to sell more quantity of the commodity at the same price. यहाँ पर firm जो है price ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, same price पर ज़्यादा quantity sell करना चाह रहे हैं. That is S1, S1 supply curve. Next है, the decrease in supply is shown by the leftward shift of the supply curve. Where the firm is willing to sell less quantity at the same price. That is S2, S2. यानी कि हमारा same price पे quantity जब घट जाता है supply का तो उसे हम लोग decrease in supply कहते हैं और हमारा supply curve shift हो जाता है to the leftward, that is S2, S2. तो ये हो गया आपका shift in supply curve. So with this we come to the end of our video. आई होप यू लाइक द वीडियो. इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. अगर आपको कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट जरूर करें. वील गेट बैक टू योर क्वेश्चंस. इस तरीके के और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. टिल देन बाय बाय.